प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग में ई लर्निंग व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। गोरखपुर NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में AD बेसिक के अलावा BSA BN सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों तथा कस्तूरबा गांधी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे छात्रों को घर में ही शिक्षा दी जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BN सिंह ने कहा, इनिशिएटिव लिया था सर, हमारे जनपद में एक इनिशिएटिव लिया गया था सर, हमारे सर यहाँ पे म्यूजिक टीचर है सर और मेरी वाइफ है सर, दोनों को म्यूजिक आता है सर, तो हमने क्या किया जो क्लास 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी बच्चों की पोएट्रीज है उनको सर बहुत अच्छे से गा करके एक पाठशाला नाम से यूट्यूब लिंक बनाया था सर, उससे अपलोड किया था। इसके अलावा क्लास 6-7 की संस्कृत को भी किया सर, अब हम राइटिंग स्किल और ग्रामर पे काम कर रहे हैं सर, वो भी हम उस पर अपलोड कर रहे हैं सर। हमने वीडियो मुझे उपलब्ध कराइए, मैं ट्वीट कर रहा हूँ इसको सर। सर जो इन दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था वीडियो, जरा हमारे BSA साहब उसको उपलब्ध कराए हमको, ताकि और लोग भी जाने की इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। कोई कठिनाई है इस तरह की जिले में, कोई समस्या नहीं? हम बेसिक शिक्षा अधिकारी जी सर, कोई समस्या हो नहीं सर? ठीक है सर, अच्छा सर चल रहा है जी। सर नमस्कार सर, हमारे जनपद में प्रत्येक सप्ताह लॉकडाउन के पहले प्रत्येक सप्ताह जनपद लेवल पर गैप एनालिसिस है, उसका इंडिकेटर वाइज और स्कूल वाइज गैप एनालिसिस करके प्रत्येक सप्ताह मीटिंग की जाती थी, और इसके अलावा विकास खंड लेवल पर भी वीडियो से निर्देशित किया जाता था, DM साहब के द्वारा निर्देशित किया जाता था, और इसके अलावा जो छोटे मोटे काम है जो इसको लेवल से कंपोजिट ग्रांट से की थी मैंने, तो उन्होंने बताया यहाँ पर ना तो मनरेगा का काम चल रहा है ना ही समय स्वच्छ भारत मिशन का काम चल रहा है। नहीं, बहापुर में मनरेगा में इतने कम मजदूरी में नहीं रहा और धनराशि पर्याप्त तुरंत मिल जाता है, कैश मिल जाता है, नरेगा में जो खाते में 20 दिन बाद आता है, नरेगा की स्थिति अलग है। CDO साहब से मैं बात कर लूंगा, CDO से बात करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, सभी BSAs को ये जानकारी है, बार बार ये कहा गया है, जैसे सर ने अभी कहा अगर प्रधानों तक आपने संवाद स्थापित किया, आपने दो कदम बढ़ाए तो काम शुरू होने के बाद मिशन छोटो को चल जाता है, मिस्त्रियों को लगाए सामान गिराए और वहाँ पे जो मैनुअल के अनुसार काम चला है। समस्या आती है जब एस्टिमेट बनना है, एस्टिमेट के लिए जेई नहीं मिलता, वो सब समस्याएं आपको हस्तक्षेप करके PO's को DC को और आपको मिलकर हल कराना है। जैसे हापुड़ में संतृप्तिकरण दे, हापुड़ में सारे पैरामीटर्स में अगले 2 महीने में संतृप्तिकरण होना है BSA साहब। सर DPO साहब से भी बात की थी, उन्होंने भी मना कर दिया है कि जो भी आदेश आ रहे हैं वो इस पर बात कर लूंगा। मैं बात कर लूंगा, अक्टूबर में जो शासनादेश हुआ था कि ग्राम पंचायत निधि में प्रथम वरीयता ऑपरेशन कार्यक्रम में देना है, वो शासनादेश दिखाइए सभी को, और जो अभी चीफ सेक्रेटरी से GO होने वाला है जिसमें ऑपरेशन कार्यक्रम जैसे मनरेगा का GO हुआ था वैसे ही ऑपरेशन कार्यक्रम का GO होगा, उसके बाद आप उस GO के माध्यम से सभी जगह बता सकते हैं कि हम काम शुरू कर सकते हैं, कहीं कोई रोक नहीं है। सर इसमें हमारी तैयारी पूरी है, पूरा गैप एनालिसिस कर लिया गया है, सारे DOs को डेटा पहुंचा दिया गया है, टीचर्स से भी डेली 10 टीचर्स से बात होती है जहां पर गैप एनालिसिस है, बस सर आपसे अनुरोध है कि एक बार आप CDO साहब से और DPO साहब से बात कर लीजिएगा तो काम को फिर से बात कर। थैंक यू सर। मीरा सर नमस्कार सर, हमारे यहाँ जनपद में ऑपरेशन कार्यक्रम में अच्छा काम हुआ है सर, इसके लिए हमने प्लानिंग ये की थी सर कि हर स्कूल का माइक्रो प्लान बनाया गया था सर, और CDO मैडम की अध्यक्षता में सर हर बुधवार को AD पंचायत DPO BDO के साथ मीटिंग हुई सर, एक एक स्कूल को रिव्यू किया गया सर, तो इसमें हमारा प्रतिबिंब है हमारा गैप है तो वो भी हमारे सर कम्प्लीट हो जाएगा सर। सर एक पूरी CDO मैडम ने बनवाई है जिसमें ग्राम पंचायत निधि में कितना पैसा है, हमारे वो कंपोजिट ग्रांट में कितना पैसा है सारा उसका एनालिसिस करते हैं सर, लेकिन स्कूल का एनालिसिस किया लो बेस्ट प्रैक्टिसेस जहां के आ रहे हैं यदि इस साथ रिजल्ट अच्छा है सर वो कुछ चीजें पॉइंट आउट करिए। मैंने बहुत सारे चीजें किया सर ना ताकि और लोगों को आगे जब चिट्ठियां जाएं तो उनके जो उदाहरण है वो दूसरे लोगों को बताए जाए कि वहाँ उन्होंने ऐसे किया तो उनका अच्छा रहा। यदि उन्होंने कहा ना CDO ने जो CDO का इनिशिएटिव जो उन्होंने बताया, हाँ बताइए कुछ कह रहे थे सर। एक सर आपका जो पत्र है उसका बहुत बड़ा प्रभाव सर पड़ा है, जहाँ पे हम सफल नहीं हो पा रहे हैं सर वहाँ के प्रधान से बात करके व्हाट्सएप ग्रुप बना के बच्चों तक सर हम शिक्षा भिजवा रहे हैं दीक्षा ऐप के माध्यम से सर। सर कोई कठिनाई
नहीं सर कोई कठिनाई नहीं है सर, मैं सर्वे कर रहे हैं, करीब 400 टीचर सर हमारे इसमें लगे हुए हैं, सारे अधिकारी सर, डीसी सर, खाना भोजन वितरण में लगे हुए हैं सर, मैं खुद सर एक पार्सी मेडिकल कॉलेज में सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, पूरा प्रयास कर रहे हैं सर। हमारे जनपद में गाड़ी का टेंडर नहीं हो पाया था, 5 बार हमने टेंडर किया है सर, जैसे सर आपने निर्देश दिए थे, हमने डीटीओ के यहाँ और जो सीएमओ साहब के यहाँ जो वेंडर काम कर रहे हैं उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, हमारा टेंडर 15 मई को खुलेगा सर, उसको भी हम जल्दी प्रोवाइड करा देंगे सर। ठीक सर, मैं नहीं जानता इसलिए थोड़ा, मेरठ, गाजियाबाद और जो नोएडा, ये सब हमारे जिले हैं, अब मैं आप लोगों से मेरी विशेष अपेक्षा है कि आप लोग ऐसे मॉडल खड़ा करिए कि हम दिल्ली के मीडिया के लोगों को कह सकें कि आप आ करके जाकर वहां देखिए, उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। हमारे एडी साहब बैठे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, एडी साहब क्या हाल है? बीच में कौन है? अच्छा एडी साहब, आपके मंडल में क्या आपके हिसाब से सब ठीक चल रहा है? हमारे यहाँ के लोगों ने भी सब चैलेंज भी किया था, तो कल स्कूल अच्छे हैं सर हमारे, और भी सारे अच्छे स्कूल हैं सर हमारे, सैचुरेट होना है, एक भी स्कूल बाहर ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सर्वे जब जुलाई अगस्त में होगा तो गाजियाबाद में हर एक स्कूल 5-स्टार रेटिंग पे आ जाए। जी सर, भेजो सर। प्रणाम सर, सर अपने कार्यक्रम में सबसे पहले हमसे विद्यालय स्तर पर सर माइक्रो प्लान तैयार कराया था, उसके बाद जिले स्तर पर सर सभी एडीओ पंचायत, सभी जेई और हमारे प्रधानों की परसों 2 दिन उनके साथ डीएम साहब की अध्यक्षता में सर शीरू साहब भी रहे, डीपीआरओ साहब भी रहे थे, उसके बाद सर हमने ब्लॉक स्तर पर बीडीओ साहब को लेकर के और डीपीआरओ साहब भी और जेई साहब को लेकर के हमारे डीसी निर्माण ने भी सर इसकी ट्रेनिंग कराई गई थी, उसके बाद हर 15 दिन बाद सर समीक्षा की गई थी, हमारे शीरू साहब द्वारा बहुत इंटरेस्ट दिया गया, तब जाकर ये सब हमारा स्टेप बाय स्टेप काम हुआ है। दूसरा ये सर, इसमें डीपीआर साहब ने एक तो सेमिट्री पे भी कार्रवाई कर दी थी जहां पर काम नहीं हुआ था, तो इसमें सर अब तो एक दो महीने तो लॉकडाउन के कारण इतना हमारा काम जो शेष रह गया है उसकी भी सूची हमने जो काम हमारा दिया सर वो हमने हर सेमिट्री और हर रेडियो पंचायत को उपलब्ध करा दी थी, अब जो नेक्स्ट स्टेप जो हो हमारा हम पूरी कमियों को अपना सर पूरा कवर कर लेंगे सर। अभी ऑनलाइन डेटा के माध्यम से हम समीक्षा करेंगे, आपने सर्वे में आपका 100% सर्वे पूरा हो जाए और सर्वे वहां पे संतृप्तिकरण हो जाए ये देखना है, कोई समस्या सर? समस्या का आपको ये पता है कि डीएमएफ में कितना पैसा पड़ा हुआ है जनपद पे डिस्ट्रिक्ट लेवल फंड पे? सर डीएमएफ में सर पैसा पड़ा हुआ है डीएम को इतने बार हम कह रहे हैं सर, बिल्कुल सर, ये विकास फंड में कितना पैसा है, मेरी भी क्षेत्र में कितना पैसा है, प्राधिकरण अगर वो जनपद में है, बिलों में नहीं लेकिन बाकी जनपद में है सर, वहाँ कितना पैसा है, नगर निकाय में सबको अप्रोच करिए, कहीं समस्या आती है तो हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन सभी मैं प्रारूप भी दे रहा हूँ हम आपसे ब्यौरा सुनेंगे कि कितना पैसा था और कितना अर्ज किया सर ने खुद प्रभारी मंत्री के रूप में सोनभद्र में इतना पैसा सैंक्शन कराया है, सबसे अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तो ये उदाहरण है पूरे प्रदेश में, तो आप लोग मिनरल फंड का जो जियो हुआ है तो उसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे? जी बिल्कुल सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, से सर हमारे जनपद में 11 कस्तूरबा में पूरी बाउंड्री वॉल देखिए, माननीय मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिया है 2 घंटे की थी, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस चलाने पे जोर दिया गया है, और गोरखपुर वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है, और सारे कस्तूरबा में 20 कस्तूरबा हैं वहाँ, और सारे स्कूल में टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, गाँव में बच्चों से संपर्क करके गार्जियन के मोबाइल नंबर से जुड़ रहे हैं, उनको ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, जहां सीधे वो वीडियो कॉलिंग हो सकती है उससे वो सब सारे टीचर्स काम कर रहे हैं, और ग्रुप में भी आ रहा है, और शासन का इसी पे जोर है, क्योंकि इस संक्रमण काल में बच्चों का कहीं इधर उधर दिमाग ना जाए, टीवी में हमेशा उलझे रहें, इसलिए टीवी पे भी रोज 11:30 बजे से शिक्षा पे प्रसाव आता है व्हाट्सएप के माध्यम से, ये इस पर विशेष जोर है, और इस पर हम सक्रिय भी हैं, और साथ ही साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता भी हम करा रहे हैं बच्चों का विभिन्न ब्लॉकों से, और बच्चे उससे जुड़े हुए हैं,
जैसे चित्रकला प्रतियोगिता है, क्विज है, इस तरह की प्रतियोगिताएं हो रही हैं और उनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 5 सांत्वना पुरस्कार भी है जो बच्चों को दिए जा रहे हैं।